तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाइटे चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 21st संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मुझसे पिछले हफ्ते में यहां पे जो भी सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का सही सही जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक वाइटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाइटे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है, रेडमी 9 पावर में एंड्रॉइड 11 का अपडेट हमें यहाँ पे कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूँ कि रेडमी 9 पावर इंडिया में ऑलरेडी MIUI का 12.5.4.0 का एंड्रॉइड 11 बेस्ड MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उस अपडेट को सभी यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि उसमें WhatsApp के इश्यूज हमें 12.5.4.0 में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब हमें Redmi 9 Power में एक न्यू अपडेट 12.5.5.0 का या 12.5.6.0 का बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा और उसके साथ हमें वो सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है Redmi 9 Power यूजर्स के लिए। और वो अपडेट हमें जनवरी के एंड तक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है, वो पूछा गया है कि Redmi 9A डिवाइस में हमें न्यू अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, चाइना में Redmi 9A के लिए MIUI का 12.5.4.0 का MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट विद एंड्रॉइड 11 चाइना स्टेबल अपडेट यहां पे रिलीज कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन वो अपडेट अभी तक ना ही हमें ग्लोबल में देखने के लिए मिला है और ना ही अभी तक वो हमें इंडिया में देखने के लिए मिला है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपडेट हमें ग्लोबल और इंडिया में कभी भी देखने के लिए ना मिले, क्योंकि इंडिया के डेवलपर्स और चाइना के डेवलपर्स और ग्लोबल के डेवलपर्स बिल्कुल हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो फिर चाइना के डेवलपर्स ने Redmi 9A डिवाइस को भी MIUI 12.5 एनहांस दे दिया है विद एंड्रॉइड 11, और आपको पता है कि Redmi 7, Redmi Y3 के साथ भी ऐसा ही सेम टू सेम हुआ था। Redmi 7 Y3 चाइना में MIUI 12.5 एनहांस तक मिल गया था, लेकिन ग्लोबल और इंडिया में MIUI 11 के ही अपडेट्स अभी तक चल रहे हैं और ना ही अभी तक उनको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के भी अपडेट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ना ही Redmi 7 को और ना ही Redmi Y3 को। तो ऐसा ही सेम टू सेम Redmi 9A डिवाइस के साथ भी हो सकता है। तो ये बात होगी Redmi 9A के न्यू अपडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन की। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 Power Android 11 अपडेट कब तक हमें मिलेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, MIUI 12.5.4.0 ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन उसमें WhatsApp के इश्यूज़ के कारण वो अपडेट केवल लिमिटेड यूजर्स को ही देखने के लिए मिल गया है। तो अब हमें एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा Redmi 9 Power के लिए, MIUI 12.5 एनहांस अपडेट विद एंड्रॉइड 11। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 Redmi 9A में कब आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बता दिया है, चाइना में रिलीज़ कर दिया गया है MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट Redmi 9A डिवाइस के लिए विद एंड्रॉइड 11 एंड विद लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच, और उसमें हमें दिसंबर या नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है MIUI के 12.5.4.0 के चाइना स्टेबल अपडेट में विद एंड्रॉइड 11। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9i में ग्लोबल में नहीं आएगा क्या। तो मैंने आपको बता दिया है, Redmi 9 चाइना में रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन Redmi 9a Redmi 9i बिल्कुल सेम टू सेम ही डिवाइस है, दोनों का कोने हमें डेंडेलियोनी देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सिंपली ग्लोबल में आने का वेट करना है कि इस डिवाइस में ग्लोबल में MIUI 12.5 और एंड्रॉइड 11 का अपडेट हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 इंडिया में MIUI 12.5 का अपडेट कब तक मिलेगा। तो Redmi 9 इंडिया में भी MediaTek का G35 प्रोसेसर ही देखने के लिए मिलता है, जो कि बिल्कुल लो एंड प्रोसेसर है। तो इसमें भी मेरे हिसाब से MIUI 12.5 विद एंड्रॉइड 11 का अपडेट कभी भी देखने के लिए नहीं मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 9i में वॉइस चेंजर हमें यहाँ पे कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि
Redmi 9A, Redmi 9i में वॉइस चेंजर ऑफिशियली आपको किसी भी अपडेट के साथ कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहां पे वॉइस चेंजर को रूट की हेल्प से बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी एरर और कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। और मैंने रूट पे वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन आपको रूट से पहले अपने मोबाइल में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपको अपने मोबाइल में कस्टम रिकवरी से पहले अपने मोबाइल का बूट लोडर यहाँ पर अनलॉक करना पड़ेगा। तो मैंने अपने मोबाइल का यहाँ पर बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक किया हुआ है। जब मैं इसमें एडिशनल सेटिंग्स में जाता हूँ, तो जब मैं एडिशनल सेटिंग्स के बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस में आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे MI अनलॉक स्टेटस में देखेंगे तो मेरा यहाँ पे डिवाइस का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड है, और मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल रूट भी किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे रूट से वॉइस चेंजर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। और मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि आप रूट की हेल्प से वॉइस चेंजर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी रूट की हेल्प से। विदाउट रूट आप इसको किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी डिवाइस में ऑफिशियली ये देखने के लिए मिलता है, तो आपको उस चीज़ के लिए रूट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन रेडमी 9A डिवाइस में आपको रूट की हेल्प से ही आप इसमें वॉइस चेंजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई रेडमी 9A में वॉइस चेंजर की, कि आप इसमें वॉइस चेंजर इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल रूट करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 9A में MIUI 12.5 न्यू अपडेट इंडिया में हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो Redmi 9A चाइना में 12.5 एनएस का अपडेट 12.5.4.0 विद एंड्रॉइड 11 चाइना में रिलीज कर दिया गया है, और उसमें हमें यहाँ पे नवंबर का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इंडिया में अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आई है कि Redmi 9A डिवाइस में हमें कभी MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आने का वेट करना है, फिर आपको Redmi 9A डिवाइस में भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 पावर में अपडेट कब तक आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 12.5.4.0 इंडिया में रिलीज़ कर दिया गया है 12.5 एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉइड 11, लेकिन व्हाट्सएप के इश्यूज़ के कारण वो अपडेट केवल अभी तक लिमिटेड यूजर्स को ही देखने के लिए मिला है। तो आपको अब न्यू अपडेट के आने का वेट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे Redmi 9 पावर के यूज़र हैं। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, हाउ टू अपडेट MIUI 12.5 इन Redmi 9A। तो आप यहाँ पे चाइना की रोम को बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे आपके मोबाइल में कस्टम रिकवरी के होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने मोबाइल में किसी भी Xiaomi के डिवाइस में कस्टम रिकवरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो फिर आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और कस्टम रिकवरी से पहले आपको अपने मोबाइल का यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, फिर आप कस्टम रिकवरी से चाइना के MIUI 12.5 को Redmi 9A इंडिया ग्लोबल में बहुत इजीली फ्लैश कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल यहां पे पूछा गया है, व्हेन विल गेट पोको M3 इंडिया रीजन पार्शियल यूजर्स दिस अपडेट। तो मैं आपको बता दूं, पोको M3 यूरोप, रशिया और ग्लोबल स्टेबल में एक न्यू अपडेट रिलीज कर दिया गया है, MIUI का 12.5 एनएस का अपडेट विद एंड्रॉइड 11। तो अब वो अपडेट हमें इंडिया में बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसका मतलब कि पोको M3 में हमें यूरोप, ग्लोबल, रशिया और हमें यहाँ तक कि ग्लोबल में भी वो अपडेट देखने के लिए मिल गया है, MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉइड 11। तो अब हमें इंडिया में भी ये अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा पोको M3 डिवाइस के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, Redmi Note 8 Pro एनहेंस वर्जन हमें यहाँ पे कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi Note 8 Pro में एनहेंस का वर्ज़न हमें बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। होपफुली हमें इसी महीने में Redmi Note 8 Pro के लिए MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि Redmi Note 8 चाइना में हमें ऑलरेडी MIUI 12.5 एनहेंस देखने के लिए मिल चुका है, और हमें ग्लोबल स्टेबल, इंडोनेशिया स्टेबल और हमें यहाँ तक कि अब इंडिया में भी Redmi Note 8 के लिए MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद हमें Redmi Note 8 Pro में, यानी कि Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 इंडिया में MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट हमें इसी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है।
तो अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, क्या Redmi Note 9 को MIUI 13 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, Redmi Note 9 को MIUI 13 विद Android 11 यहाँ पे 100% देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है Redmi Note 9 के लिए। लेकिन यहाँ पे कब तक मिलेगा इस बात की कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ यहाँ पे निकल के नहीं आती है। लेकिन MIUI 13 के फर्स्ट बैच के ग्लोबल डिवाइसेस की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन उसमें हमें Redmi Note 9 का नाम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमें Redmi Note 9 का नाम थर्ड बैच या फोर्थ बैच में 100% यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 9 12.5 न्यू अपडेट मैन इंडिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, Redmi 9 में 12.5 का अपडेट इंडिया में हमें यहाँ पे कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का संडे कमेंट बॉक्स, यानी कि 21st संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाइडे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाइडे चैनल पर शाम की तरफ जब यहाँ पे न्यूज़ या अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है।